नमस्कार दोस्तों, जीरो से हीरो यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए आज हम सीखने वाले हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर। आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा इस ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है। दोस्तों ये देखिए दोस्तों ट्रांसफार्मर, दोस्तों ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो आपको बताता हूँ दोस्तों ट्रांसफार्मर एक्चुअली काम कैसे करता है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और अगर आपको कोई किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर तो आप हमें कमेंट करिए दोस्तों। कमेंट में आपको आप मुझे जो कमेंट करेंगे उस कमेंट के ऊपर मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा उस टॉपिक पर। तो वीडियो पूरा देखिए दोस्तों, पूरा देखने पर ही आपको समझ आएगा कि कैसे काम करता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ट्रांसफार्मर एक ये जो लोहे की जो पट्टी होती है दोस्तों, इन लोहे की पट्टियों पर वेल्डिंग किया जाता है। मैं पहले लोहे की पट्टी बना लेता हूँ दोस्तों। इन लोहे की पट्टियों को दोस्तों, जैसे कि हम हमारा जो एसी करंट आता है दोस्तों वो होता है 230 से 270, ये होता है अपना एसी वोल्टेज होता है दोस्तों। और सेकेंडरी में कितना वोल्टेज निकाला है हमारे वाइंडिंग के ऊपर निर्भर किया जाता है दोस्तों। फिलहाल आपको प्राइमरी बता देता हूँ दोस्तों, मैं प्राइमरी कैसे काम करती है दोस्तों। इसको प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, जो फर्स्ट वाइंडिंग होती है उसे हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। तो फर्स्ट के लिए मैं पी लिख देता हूँ दोस्तों, पी यानी कि प्राइमरी, और सेकेंडरी के लिए यस यानी कि सेकेंडरी। ठीक है तो लिख देता हूँ दोस्तों, ठीक है ये प्राइमरी, तो ये सेकेंडरी। दोस्तों प्राइमरी में क्या होता है दोस्तों, जैसे 230 से 270 वोल्टेज इस ट्रांसफार्मर में इनपुट कराने के लिए इसे एक कॉपर वायर से वेंडिंग किया जाता है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको एक नॉर्मल बता देता हूँ दोस्तों, कंफ्यूज होना नहीं सिर्फ समझना है दोस्तों। अगर आप इसे काम कैसे करता है उसे समझ गए तो हम इसे कोई भी प्रोजेक्ट में इस ट्रांसफार्मर को काम में ले सकते हैं। और दोस्तों ट्रांसफार्मर हम नहीं बनाते, हम सिर्फ इसे रिपेयर करते हैं या इसे समझते हैं दोस्तों। ये ट्रांसफार्मर जितना भी इसका डेटा कंपनी के पास होता है, कंपनी इसका डेटा निकालती है, इसे बनाती है, हम इसे सिर्फ यूज़ करते हैं दोस्तों, और ख़राब होने के बाद रिप्लेस या रिपेयर करते हैं दोस्तों। और अगर आपके पास ऐसा ट्रांसफार्मर बनाने का अगर डेटा हो तो आप भी ट्रांसफार्मर बना सकते हो, बट पहले इसे समझिए कि काम कैसे करता है। तो दोस्तों इस लोहे की पत्ती की कोर के अंदर इस तरह से इसे लपेटा जाता है दोस्तों। इस तरह से इसे वेंडिंग किया जाता है दोस्तों। ये हो गया प्राइमरी, और इस साइड होता है दोस्तों सेकेंडरी। सेकेंडरी में भी सेम यही प्रोसीजर है दोस्तों। जैसा कि प्राइमरी में टर्न मार रहा है वैसा सेकेंडरी में टर्न मारते हैं दोस्तों। इसमें हो जाता है दोस्तों, जैसे कि प्राइमरी में 230 जा ऐसा वेंडिंग किया जाता है, और सेकेंडरी में आपको जितना वोल्टेज चाहिए उस प्रकार का हमें वेंडिंग करना पड़ता है। जैसे कि 12 वोल्ट से हमें 12 वोल्ट चाहिए तो 12-0 की वेंडिंग करना पड़ेगी। 0 यानी कि ये ग्राउंड होता है दोस्तों, GND, और यहाँ से आपका 12 वोल्ट निकलेगा। आप चाहे तो इसे भी ग्राउंड बना सकते हैं, इसे 12 वोल्ट बना सकते हैं, बट कब, जब तक इसके सामने डायोड लगा हुआ नहीं है,
जब इसके सामने ब्रिज रेक्टिफायर लग जाएगा तो फिर आप ब्रिज के आगे माइनस प्लस नहीं कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और बहुत सी कंपनी इसको अलग अलग बनाती है। देखिए दोस्तों, आपको बताता हूँ इस कंपनी ने इस ट्रांसफार्मर को बनाया दोस्तों। ये साइड एसी पॉइंट है दोस्तों, इसमें 230 से 270 वोल्टेज इनपुट होगा, और आउटपुट में देखिए दोस्तों, एक ब्लैक, एक रेड और एक ब्लैक इन्होंने बनाया दोस्तों। ये ब्लैक वायर यानी कि यहाँ पे मेंशन किया है 12 वोल्ट, ये रेड वायर यानी कि 0, और ये 12 वोल्ट यानी कि ये ब्लैक वायर। आप सोचते होंगे दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो ट्रांसफार्मर बताया इसमें दो ही वायर है, ये 12-0 निकला है, और ये तीन वायर वाला 12-0-12 कैसे निकला। चलिए आपको बताता हूँ कैसे निकला है। एक दूसरी कोर बनाता हूँ दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर की दूसरी कोर बनाई दोस्तों। इसके अंदर सेम टू सेम दोस्तों सामने जैसे 230 वोल्ट जाएगा, इसमें 230 से 270 वोल्ट जाएगा दोस्तों। इसमें सेम टू सेम वाइंडिंग रहेगा दोस्तों स्टार्टिंग में, बट इसके सेकेंडरी में कुछ अलग वाइंडिंग होगा। कैसे? जैसे कि ये पहला वायर यहाँ से आया, इसने वाइंडिंग किया यहाँ पर, और इसी वायर को टर्न मारकर वापस अंदर जाकर वाइंडिंग कर वापस आएगा। तो अब इस पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा 12 वोल्ट, यहाँ पे आएगा दोस्तों 0, और यहाँ पे आएगा दोस्तों 12 वोल्ट, यानी कि ये आपका बन गया है GND दोस्तों, ग्राउंड, और ये प्लस 12, ये माइनस 12, ये प्लस माइनस सप्लाई दोस्तों आपको होम थिएटर में ज़्यादा यूज़ होती है दोस्तों। होम थिएटर हो गया, किसी ऑडियो बोर्ड हो गया, या हाई कंपनी के जो एम्पलीफायर होते हैं उनमें उन ट्रांसफार्मर में जितने बड़ा बड़ा एम्पलीफायर होता है कंपनी का, उनमें माइनस प्लस सप्लाई पर काम होता है दोस्तों। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर कुछ इसी तरह काम करता है दोस्तों, और भी आपको इसके बारे में वीडियो चाहिए तो दोस्तों और बना कर दूंगा। आप मुझे कमेंट करिए दोस्तों, कमेंट करे बाद आपके टॉपिक कौन सा है उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, और ट्रांसफार्मर की और भी वीडियो लाते रहूंगा दोस्तों आने वाले चैनलों में। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू दोस्तों।